महल से इंडियन गवर्नमेंट कितना पैसा कमाती है और आज आप हमारे देश की कैसी जगह देखने वाले हैं जहां पर भैया ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर इनाम दिया जाता है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों कुछ बुटर्स के ढक्कन के नीचे इन तरीके की रबर को लगाया जाता है। तो अडानी भाई साहब की वेल्थ की तरह देश में गिरते हुए एजुकेशन के लेवल को दोबारा से स्तर पर लाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। पैसा पैसा करे लू, पैसा पे काहे मरे लू, एक बात बतावा हमसे तू भगवान से कहना डरे लू। गाइज नॉर्मली मंदिर में जाकर लोग भगवान से सुख शांति की कामना करते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर भगवान से वीजा कौन मांगता है यार, और वो भी किसी छोटी मोटी कंट्री का नहीं बल्कि सीधा यूएसए का। वाह नवाब। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन हैदराबाद में मौजूद वीजा बालाजी मंदिर एक ऐसा टेंपल है जिसकी एक मान्यता के अनुसार अगर आप इस मंदिर की 108 बार परिक्रमा कर लेते हैं तो आपका बेहद ही आसानी से यूएसए या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री का वीजा लग जाता है, और इसीलिए यहाँ पर भक्त प्रसाद की बजाय अपने पासपोर्ट और टॉय एयरप्लेन्स को लेकर आते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, एक दिन विदेश जाने की तड़प हमारे देश के युवाओं को ले डूबेगी। गाइस क्या आपको पता है कि मॉरिटानिया में रहने वाले वोलोफ लोगों के ट्रेडिशन के अनुसार भैया जब भी लोग किसी भी न्यूबॉर्न बेबी से मिलते हैं तो उसे ब्लेसिंग देने की बजाय ये उसके ऊपर थूक देते हैं। पर क्यों? असल में गाइस इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि इंसान के शब्द उसके मुंह से जुड़े हुए रहते हैं, और अगर आप ऐसे ही मुंह से किसी को भी ब्लेसिंग देते हैं तो भैया ये भी हो सकता है कि वो ब्लेसिंग बच्चे से टकरा कर यू टर्न मार ले। लेकिन वहीं अगर आप उसके ऊपर थूकने के बाद उस थूक को अच्छे तरीके से उसकी बॉडी के ऊपर रगड़ देते हैं तो वो ब्लेसिंग हमेशा ही उसके शरीर से जाकर चिपक जाती है और हकीकत में वो बच्चा काफी ज्यादा ग्रो करेगा। मम्मी थूकने को बोला था, उलटने को नहीं, और ऐसे कौन थूकता है? ये मैं सही बता रही हूँ, जुबा केसरी वाले एडवर्टाइजमेंट देखना कम कर दो, पूरा नहला दिया यार। गाइस बचपन से ही शक्तिमान देखकर हमारे देश के युवाओं में एक ऐसी अद्भुत शक्ति ने जन्म ले लिया है कि जैसे ही कोई भी मूवी किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है ये अपनी जादुई शक्तियां लगाकर बिना सब्सक्रिप्शन के उसे डाउनलोड करके देख लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने इसी शक्ति का इस्तेमाल जर्मनी में कर दिया तो भैया जर्मनी में बैठा हुआ है किलवेश जो किशमिश खाकर आपको अंधेरे में ले जाएगा, अरे मतलब काल कोठरी में। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन जर्मनी का कॉपीराइट लॉ और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी यहाँ पर इतनी ज्यादा हाईटेक है कि अगर आपने यहाँ पर गलती से किसी भी तरीके से या फिर किसी भी बड़े वीपीएन या सॉफ्टवेयर को लगाकर किसी भी मूवी को इलीगल तरीके से डाउनलोड कर लिया तो भैया मूवी प्ले करने से पहले उसका ट्रेलर आपके फोन पर आ जाएगा, और ट्रेलर से मेरा मतलब है फाइन, वो भी सीधा 60,000 रुपए का। अब अगर आपने किसी भी सिचुएशन में 10 दिन के अंदर इन 60,000 रुपए को गवर्नमेंट को सबमिट नहीं किया तो आपको स्ट्रेट 20 साल की सजा सुना दी जाती है, जिसके बाद आप मस्त जेल में बिना किसी डिस्टरबेंस के उसी मूवी को लगातार देख सकते हैं। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए, आप अभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे मुझे पता है कि तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि लाना है कि नहीं लाना, बट फिर भी कॉन्फर्मेशन के लिए बता दो, दिल की तड़प सुकून में चली जाएगी। गाइस अभी तक तो चाय का इस्तेमाल मूड और प्रेशर को बनाने में किया जाता था, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में भैया हमारे देश में चाय का इस्तेमाल अब आर्ट यानी कि कला को बनाने के लिए किया जा रहा है। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में हमारे देश में बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी मौजूद हैं जो कि टी पेंटिंग ट्रेंड को दुनिया के सामने लेकर आए हैं, जिसमें आर्टिस्ट एक स्केच को बनाने के बाद उसमें कलर की बजाय उसे कुछ इस तरीके से चाय के पानी से ही फिल करते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये ट्रेंड और ये आर्ट लोगों को बहुत बड़े स्केल पर पसंद भी आ रही है, तो जो चीज लोगों को पसंद आती है भैया आजकल वही तो करते हैं हम। और इसी की तर्ज पर गाइस आज तुम्हारा आकाश भाई अपनी कला का एक ऐसा छोटा सा नमूना तुम्हारे सामने रखने वाला है जिसे देखकर बावले हो जाओगे। नहीं सही बता रहा हूँ, बावले होने वाले हो तुम। परफेक्ट। So guys, ये बन चुका है हमारा प्यारा सा डुक्कर। ये क्या कर रहा है भाई? नजर नहीं लगनी चाहिए, काला टीका है नजर का, देख रहा है मेरे कैसे कुची 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 मोटा तगड़ा डुक्कर बना है। तो चलो गाइज अब इसमें भरते हैं थोड़ा सा चाय। इस प्यारे डुक्कर और मेरी इस प्यारी सी आर्ट के लिए और थोड़ी सी मेरी मेहनत के लिए भी 12,000 लाइक्स चाहिए मुझे इस वीडियो पर। चुपचाप से 12,000 लाइक कर देना, मेरा दिल टूट जाएगा। गाइस हमें से बहुत से लोग समोसे को देखकर भैया ऐसा मुंह बना लेते हैं जैसा एक समय पर अमित जी रेखा जी को देखकर बना लेते थे। मतलब देखो खाने का मन होता है लेकिन फिर भी खा ना सकते। अबे समोसे की बात चल रही है इधर, दिमाग मत घुमाओ अपना,
लेकिन क्या आपको बताया कि भैया वेस्टर्न कंट्रीज में प्रेजेंट डेट में ये ट्रेंड पूरा ही उल्टा हो चुका है। असल में गाइस आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में की गई एक रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर आप ब्रेकफास्ट में समोसे को खाते हैं तो आपकी ब्रेन और बॉडी को पूरे ही दिन के लिए एक्टिव कर देता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में जहां हम इंडियंस इस ऑयली फूड से थोड़ी सी दूरी बनाने का ट्राई कर रहे हैं, तो भाई वेस्टर्न कंट्रीज में भैया ब्रेकफास्ट में ये तेल कर खाया जा रहा है। अजीब लेकिन सच। गाइज हमें से बहुत से लोगों को पेट्रोल के सस्ते नशे करने की आदत होती है। अब 100 रुपए लीटर बिक रहा, सस्ता कहां से हो गया? हाँ, ये बात भी सही है, माय बैड। असल में गाइज हमें से बहुत से लोगों को पेट्रोल के महंगे नशे करने की आदत होती है और उसकी स्मेल को सूंघने के लिए वो लोग बावले हुए इधर उधर भी भटकते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वास्तव में आखिर एक इंसान को भैया पेट्रोल की स्मेल इतनी अच्छी लगती ही क्यों है? असल में गाइज पेट्रोल हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है और हाइड्रोकार्बन की ये स्पेशलिटी होती है कि जैसे ही उसकी स्मेल को हम सूंघते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ी देर के लिए एक तरीके से इनएक्टिव ही कर देता है और उस समय हमारे ब्रेन को उस तरीके का सुकून मिलता है कि मानो हमने कहीं से सुन लिया हो कि भैया अर्जुन कपूर ने एक्टिंग ही छोड़ दी है। अबे साले, अरे मतलब समझ गए ना किस लेवल का सेटिस्फेक्शन और सुकून की बात चल रही है अबे। हां भाई, वैसे आपने कभी पेट्रोल के सस्ते नशे करे हैं कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि मैं सुनने के लिए तड़प रहा हूं भाई तुमने किए नहीं करे, पर मुझे अच्छी लगती है वैसे। सीक्रेट बताया अपना। गाइस जहां एक तरफ वैलेंटाइन डे पर पूरी दुनिया के आशिक बावले हुए इधर से उधर घूमते हैं अपनी तैयारियों को करने के लिए, तो वहीं क्या आपको बताया कि भैया रशिया में तो अलग ही लेवल की तैयारियां चलती हैं, क्योंकि नवाब को गधे के ऊपर बैठकर रेस जो करनी होती है। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन यहां के एक ट्रेडिशन के अनुसार यहां पर हर साल वैलेंटाइन वीक से पहले कुछ इस तरीके की डोंकी रेस को आयोजित किया जाता है और माना कुछ ऐसा जाता है कि जो भी इंसान इस रेस को जीतेगा उसे वैलेंटाइन डे पर काफी ज्यादा प्रिटी और अच्छी गर्लफ्रेंड डेट करने के लिए मिलेगी। अरे भाई, जब एक गधा दूसरे गधे के ऊपर बैठकर रेस करेगा तो लड़की भी तो कंफ्यूज हो जाएगी ना कि यार उसे डेट कैसे करना है। और वेट अ मिनट, तुम्हें अच्छी चाहिए? अबे ऊपर वाले का खौफ का हो कि इस देश में रह रहे हो तो तुम्हें अच्छी चाहिए, हमारा क्या होगा फिर? कभी इधर विजिट करके देखो, पता चलेगा अच्छे और बुरे में फर्क। वैसे भैया ये लास्ट वाली लाइन मैंने मजाक में बोली है, दिल पर मत लेना। और नालायको, स्क्रिप्ट में क्या क्या लिख रहे हो आजकल, तुम मरवाओगे मुझे किसी दिन। गाइस किसी भी एग्जाम सेंटर पर जाकर एग्जाम और क्वेश्चन पेपर को देखकर भैया नर्वस होना आम बात है, लेकिन एग्जाम सेंटर पर मौजूद लड़कियों को देखकर कौन नर्वस होता है यार, वो भी इस लेवल का कि बंदा बेहोश ही हो गया। क्या चल रहा है दुनिया में? असल में गाइस ये मामला है बिहार के नालंदा जिले का, जहां पर एक एग्जाम सेंटर में एक कैंडिडेट मनीष शंकर सिर्फ इसलिए बेहोश हो गया क्योंकि उसने एक साथ एक बार में 500 से भी ज्यादा लड़कियों को देख लिया था। और भैया ये मामला इस कदर बढ़ा कि उस बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा और देश के न्यूज चैनलों को इस स्टोरी को कवर भी करना पड़ा। हैशटैग अखंड सिंगल। तो भाई लोगों, अब तुम लोग खुद ही अपने सिंगल दोस्तों को इस वीडियो को टैग या शेयर करने वाले हो, या फिर ये फॉर्मेलिटी भी मैं करूं और बोलूं कि भैया करो तभी होगा? ऐसे होंगे 2 मिलियन इस चैनल पर? खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, नीचे कमेंट करो, सब मुझे बताना पड़ता है। गाइस जब भी बात होती है डिलीशियस केक की तो हमारे मुंह में आ जाता है पानी, और अगर उसी केक की कोई ड्रेस पहनकर हमारे सामने आ जाए तो भैया हमें होती है हैरानी। लेकिन इसी के ही बीच टाइगर का तो काटी गई दिशा पटानी, मिलिए नताशा कैलॉय किम फे ली फोकस से। हाँ भैया, एक ही लेडी का नाम है इतना बड़ा, जिन्होंने अभी हाल ही में दुनिया का सबसे पहला 131 किलो का एक ऐसा केक डिजाइन किया है जिसे आप कुछ इस तरीके से ड्रेस की तरह वियर भी कर सकते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस केक को बनाने का बहुत पहले से ट्राई किया जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हाल ही में नताशा ने इस काम को करके अपने नाम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है। तो देखो भाई लोगों, अब कुछ भी हो, लेकिन नताशा जी मैं बस आपको इतनी एडवाइस देने वाला हूं कि भैया इस ड्रेस को पहनकर आप बस पाकिस्तान ना जाएं। गाइस क्या आपको पता है कि अब लंदन की सड़कों पर अगर आपने अपनी कार को निकाला मारने के लिए शाइन, तो मुझे माफ करना लेकिन भाई लोगों को आपको देना पड़ेगा उतना ही बड़ा फाइन, क्योंकि भैया लंदन की सड़कों पर अपनी कार चलाना हो जो गया है अब क्राइम। असल में गाइस अभी हाल ही में बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए लंदन के मेयर ने नई एडवाइजरी को जारी किया है जिसके तहत कोई भी इंसान लंदन की सड़कों पर अपने प्राइवेट व्हीकल को नहीं चला सकता। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा टेम्परेरी है, लेकिन भैया इस उच्च कोटि के कांड को भी हमारे लिए ही किया जा रहा है भैया, इतना एयर पोल्यूशन जो हमने फैला दिया है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ना चाहते हुए भी लंदन को ऐसा करना पड़ गया। अजीब लेकिन सच। गाइस क्या आपको पता है कि जहां एक तरफ हमारी गवर्नमेंट भैया पॉपुलेशन को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं हमारे ही देश में एक ऐसा स्टेट भी मौजूद है जहां पर भैया 3 बच्चे पैदा करने पर प्राइज दिया जा रहा है। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में सिक्किम में पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ गिरती हुई चली जा रही है, जिसको कि वापस ट्रैक पर लाने के लिए अब वहां की गवर्नमेंट 3 बच्चे होने पर कपल को एक बेहद ही ऑसम सा इनाम देने की प्लानिंग कर रही है, और ऐसा खुद यहां के चीफ मिनिस्टर का कहना है। मतलब भैया ये तो फिर वो वाला हिसाब नहीं हो गया कि 2 बच्चे गोभी का गंदा फूल उससे ज्यादा वंडरफुल? गाइस अक्सर शॉपिंग मॉल में जाने के बाद हम जैसे गरीब कर लेते हैं खुद को किल, क्योंकि भैया जलम्मा जो बंदा है वहां का बिल, लेकिन बद्दुआ जस्ट चिल,
क्योंकि गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा मॉल भी मौजूद है जहां पर भैया हर तरीके की चीज पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। असल में गाइस आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यूपी के लखनऊ में हर साल दिसंबर, जनवरी और फरवरी में 3 महीने के लिए रहीम नगर में एक ऐसे मॉल को भी लगाया जाता है जिसमें ब्लैंकेट से लेकर ऊनी कपड़े हर एक चीज को फ्री रखा जाता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मॉल को सिर्फ और सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए ही लगाया जाता है, जो यहाँ से वो सभी सामान फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं जो कि उन्हें सर्दी में ठंड से बचाने के लिए जरूरी होता है। और वास्तव में ये इनिशिएटिव अपने आप में लाजवाब जरूर है। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर, इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। करंट अफेयर की तरफ पर है, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में यूएसए ने दुनिया का सबसे पहला एआई टेक्नोलॉजी से चलने वाला लॉयर रोबोट बनाकर तैयार कर लिया है, जो कि फरवरी 2030 में अमेरिकन कोर्ट में एज अ लॉयर काम करना भी शुरू कर देगा। और वास्तव में ये चीज अपने आप में हाईटेक जरूर है। आखिर क्यों कुछ बोटल्स के ढक्कन के नीचे हमें इस तरीके की रबर देखने को मिलती है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि मार्केट में मौजूद बहुत सी कंपनीज की बोटल के अंदर हमें कुछ इस तरीके की रबर देखने को मिलती है, लेकिन मार्केट में ऐसी कंपनीज भी मौजूद है जिनकी बोटल्स के ढक्कन के नीचे इन तरीके की रबर्स को नहीं लगाया जाता। तो फिर आखिर ऐसे में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर फिर भैया क्यों कुछ कंपनीज इन रबर्स को अपनी बोटल के अंदर लगाकर देती है? असल में गाइस इसके पीछे का एकमात्र कारण कंपनी की इज्जत बचाना है। असल में गाइस इस तरीके की रबर को सिर्फ उसी लिक्विड की बोटल अंदर लगाया जाता है जिसको कि पूरे तरीके से एयर टाइट करना होता है, जस्ट लाइक सोडा बॉटल्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ सिलेक्टेड बॉटल्स। क्योंकि अगर इन तरीके की रबर्स को उन बॉटल्स के अंदर नहीं लगाया जाएगा तो भैया उनकी गैस धीरे धीरे लीक करने लगेगी, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड उनकी गैस पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी और हमारी सॉफ्ट ड्रिंक सिर्फ और सिर्फ शक्कर का पानी रह जाएगी, जो बहुत वाहियात लगता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए मार्केट में अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए और सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक में गैस के फिज को काफी लंबे समय तक स्टे करने के लिए कुछ बोटल्स के ढक्कन के नीचे इन तरीके की रबर्स को लगा दिया जाता है। हैरतअंगेज लेकिन सच। ताजमहल से इंडियन गवर्नमेंट कितना पैसा कमाती है? असल में गाइस आपके भी दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि जब भी बात अगर ताजमहल की जाए तो उसको इंडिया का काफी ज्यादा फेमस मॉन्यूमेंट माना जाता है। तो फिर आखिर उस कंडीशन में क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर फिर इतना फेमस मॉन्यूमेंट एक्चुअली में इंडियन गवर्नमेंट को भैया कमाकर देता ही कितना है? एंड बाय द वे अगर आपने ये नहीं सोचा है तो भैया आज सोच लो, क्योंकि मैं आगरा में रहता हूं और मैंने ये सोच लिया। अब अगर मैंने सोच लिया तो भैया इसका आंसर तो मैं आपको देकर ही रहूंगा। वैसे भी नॉलेज यार रख लो, काम आएगी पक्की बात। असल में कैसा भी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन बात अगर आज से 5 या 6 साल पहले की जाए तो सिर्फ ताजमहल पर बिकने वाली टिकट से ही इंडियन गवर्नमेंट लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए सालाना कमाती थी। लेकिन क्योंकि भैया एक दिन अचानक से ही हमारे पड़ोसी का चमगादड़ खाने का मूड बन गया तो ये रेवेन्यू गिरकर प्रेजेंट डेट में मात्र 8 करोड़ सालाना के आसपास ही रह गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत से एक्सपर्ट्स तो अब ये भी मानते हैं कि क्योंकि प्रेजेंट डेट में ताजमहल की पॉपुलैरिटी भैया डे बाय डे हल्की सी डिक्रीज करती हुई चली जा रही है, तो इसके चलते हुए इस साल या फिर अगले साल ताजमहल से इंडियन गवर्नमेंट लगभग सिर्फ 6 से 7 करोड़ रुपए ही कमा पाएगी। गाइज अगर आपको अभी तक ये लगता था कि ताजमहल इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा ही बड़ी रकम कमा कर देता है तो मुझे माफ करना, लेकिन ये सच नहीं है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को भी शेयर कर देना। अगेन 12,000 का लाइक टारगेट है, पूरा करा दो, तड़प है मिटा दो। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको सीधा गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा के सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फैच कमाल वीडियो दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।